सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम आप बात करने वाले हैं कि राजस्थान पोस्टल सर्कल की ओर से वैकेंसी आई है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस घंटे को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ आई भी है पोस्टल सर्कल रिक्रूटमेंट 2017 457 मतलब 57 MTS जॉब। ये फॉर्म टाइप ऑनलाइन है। लास्ट डेट अभी से कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो है 14 दिसंबर 2017। टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो 57 आई है। कंपनी है राजस्थान पोस्टल सर्कल। लोकेशन ऑल इंडिया, जॉब से गवर्नमेंट, जॉब से राजस्थान। जॉब कैटेगरी सरकारी नौकरी है और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे 10th पास और ITI पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स 15 नवंबर 2017 से स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट डेट अभी से 14 दिसंबर 2017 तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फीस पेमेंट है 16 दिसंबर 2017 तक। एप्लीकेशन फ़ीस है वो है जनरल OBC के लिए 500 रुपया, OBC 400 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी एंड 100 रुपीज़ ऑफ फी। SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड और वुमेन के लिए 100 रुपीज़ लगेंगे। उसके बाद यहाँ वैकेंसी डिटेल की अगर मैं आपको बात बता दूँ तो यहाँ पर मल्टी टास्किंग स्टाफ है। जो आपकी आई वी ए वैकेंसी अनरिजर्व की 33 है, OBC की 11 है, ST की 6 है, SC की 7 है। एज लिमिट 18 से 25 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 57 है। उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और किस बेसिस पे होने वाली है तो यहाँ पे 10th पास और ITI आपको होना चाहिए। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टेड ऑन एन एप्टीट्यूड टेस्ट। जो आपकी प्रोसेस होंगी, सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें टोटल 100 मार्क्स कवर किए जाएंगे, वो भी फॉलोइंग सब्जेक्ट्स और फॉलोइंग टॉपिक में। एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंप्राइजिंग 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 1, पार्ट सी 2। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी 2 आवर, मतलब 1 घंटे 20 मिनट के वो टेस्ट होंगे। देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे सिलेबस से लेके सब कुछ दी गई हैं, तो आप वहाँ उसको एक बार ज़रूर अप्लाई करने से पहले उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लें, तो मैं आपको लिंक में दे दूंगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देख सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट में हो रही हैं। उसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करके बता दूँ, यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालना पड़ेगा, मिडिल नाम डालना पड़ेगा, सरनेम डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, फिर डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस डालना होगा, नहीं है तो नो। आर यू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, क्या आप सरकारी नौकरी में काम करते हो तो यस, अगर करते हो तो, नहीं करते हो तो नो। यहाँ कैटेगरी डालना पड़ेगा, सब कैटेगरी डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर मल्टी टास्किंग स्टाफ की ही रहने देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चा जाके यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स एंड पॉलिसी करके सबमिट एंड कंटिन्यू क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स एंड ऑफ पोस्ट। यहाँ देख सकते हैं आई वी ए कितनी वैकेंसीज आई है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। पे मैट्रिक्स 18,000 इन लेवल 1 प्लस एडमिजिबल अलाउंसेस। उसके बाद ये 18 से 25 है अनरिजर्व्ड एप्लीकेंट्स के लिए। यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज अगर एज रिलैक्सेशन मिला है, एससी को मिले हैं 5 साल, एसटी को भी 5 साल, अदर बैकवर्ड कास्ट को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस अनरिजर्व को 10 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड प्लस एससी और एसटी को 15 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड और OBC को 13 साल मिले हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी है क्रिशियल डेट फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एज लिमिट, हाउ टू अप्लाई, मोड ऑफ पेमेंट, आपको पेमेंट कैसे करना है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की पूरी डिटेल दी गई है, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जॉब रिगार्डिंग वीडियो अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।